नमस्कार पहला कशा आप लोग उम्मीद करनु कि सब लोग ठीक है नला मेला बिल्कुल ठीक छो। और टाइम हो रहा है अभी 10:15, जस्ट अभी नहा के आ रही हूँ और मम्मी गई हुई आज कहीं, मतलब मम्मी और कंचन गए कहीं। और कंचन बता दूं जो मेरे बड़े चाचा हैं जो गांव में रहते ना चाचा उस साइड, तो मेरे बड़े चाचा का बेटा है कंचन, तो कंचन कल आए हुए थे तो आज मम्मी और कंचन गए हैं कहीं। और आज सुबह हमने हलवा खाया और मेरा मन कर रहा था काफी टाइम से ना वो खाने का, ये जो हलवे में प्रसाद बनता है हलवे से पहले, मतलब ये वाला प्रसाद, तो ये मम्मी ने थोड़ा अलग टाइप से बना रखा है, सूजी और आटे को भून रखा है, उसमें सौंफ डाल रखी है और वही थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं, तो ये ना मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। मम्मी ने एक बार बनाया था तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, मेरे कहा मम्मी कल शाम को वाला, मेरे मम्मी से मम्मी यार मेरा ना वही मन कर रहा है खाने का जो आपने एक दिन बनाया था सूजी वाला प्रसाद, तो मैंने कहा ठीक है आज नाश्ते में वही बना देते हैं, तो इतना मेरे लिए अलग से प्रसाद निकाल दिया था ये, वैसे तो एक कटोरी भर के था लेकिन मैं सुबह से काम करते भी जा रही हूँ खाते भी जा रही हूँ, और इसका मतलब मम्मी ने हलवा बना दिया था, हलवा बनाने से पहले मेरे लिए निकाल दिया अलग से, तो बस ऐसी हो रहा है। और मौसम देखिए आज कितना अच्छा हो रहा है, मतलब बड़ा सा कूल टाइप का मौसम हो रहा है, सुबह से ही ऐसी मौसम है देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, और बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन हो तो भी अच्छा है नहीं हो तो भी अच्छा है, वैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी फील हो रही है, हल्की हल्की ज़्यादा नहीं, ऐसा लग रहा है कहीं से उड़ के आ रही होगी, हल्की हल्की हो रही है, बाकी मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है देखिए। और बस अब भी जब 11 बजे गए 10:45 होगा तब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो बस तब तक इसको एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी बताइए किस किस को ये प्रसाद पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप लोगों ने नहीं खाया ना तो उसे एक बार ज़रूर खाएं। घी में आटा और सूजी को दोनों मिक्स करके अच्छे से इसको भून लें, उसके बाद सौंफ भी डाल के भून लें, और क्या था ये बादाम और क्या बोलते हैं इसको काजू और ये गोला, इन सबको अच्छे से मिक्स करके चीनी डाल दी, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए फिर मैं भी कुछ काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी बारिश थोड़ा सा तेज स्टार्ट हो गई, मतलब जो बूंदाबांदी वाली बारिश होती है वो थोड़ा सा तेज स्टार्ट हो गई, तो ऊपर जा रही हूँ कपड़े उठाने के लिए। मैं ऊपर गई थी कपड़े उठाने के लिए लेकिन पापा ने उठा दिए हैं कपड़े, क्योंकि बारिश आई गई थोड़ा सा कपड़े भीगने लायक। तो सब अच्छा हो गया है, मैं ऊपर आ गई हूँ, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, अभी दूध पिलाए नहीं है खेत में, मम्मी दिख नहीं रही लेकिन ढूंढते हैं कहाँ पर है। काटने लग गए इसको, ये देखिए ककड़ी की बेल के सपोर्ट के लिए ये वाला पेड़ लगा रखा है, मतलब ये वाली टहनी लगा रखी है। दूध पिला लो, 6:30 हो गया। अब दिख रहे हैं कोई कोई अदरक के पेड़, वो देखिए वहां से बारिश आ रही है खतरनाक से, बहुत तेज आ रही है बारिश उस साइड से। पापा ले जा रहे हैं घास और जॉनी रेती के ऊपर खेल कर रहा है तो उसे हटा रहे हैं वहाँ पे। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आंगन में जाना पड़ेगा खेत से, बारिश तेज तो नहीं आ रही लेकिन बूंदाबांदी आ रही है, हम घूमने शहर नहीं जा सकते अगर ऐसे मौसम रहा तो। फिर यहाँ दिखाते हैं मम्मी पापा चिट्टी काट रहे हैं,
और अब इन दोनों के लिए हो गया है पंखा ऑन। अब मम्मी पिलाएगी दूध, तब तक मैं इसके आंगन में घूम लेती हूँ। हल्की बूंदा बारी तो हो रही यार, अंदर ही घूमती हूँ। यहाँ पर ये वाला एरिया सही है क्योंकि इसके पास हल्की छत है, यहाँ पे घूम लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि नीचे ना तेज की बूंदा बारी हो रही है। तो ये वाली घास मैं आपको दिखा रही थी ना, जो मम्मी पापा अभी काट रहे थे, देखो थोड़ा सा जूम करके, ये देखें ये जो बड़ी बड़ी घास है ना, तो जो पिनालू के पेड़ हैं और इसमें अदरक के पेड़ लगा रखे हैं और हल्दी के पेड़ लगा रखे हैं, तो ये जो लंबे वाले पेड़ हैं इनको काट के ना उनके नीचे बिछा देते हैं, ये खाद का काम करता है, तो इसलिए लगा रखे हैं ये। ये देखें अब उस साइड से तो मम्मी लोगों ने आधे काट दिए हैं, जहाँ मैं आपको भी शुरू में ले गई थी, और अभी इतने और बचे हैं, तो धीरे धीरे काटते रहेंगे और बिछाते रहेंगे इसको। और ये देखिए मैं आपसे कह रही थी ना कल ये वाली स्पेस खाली थी, तो यहाँ पर भी आज गोभी के पेड़ लगा दिए, कुछ यहाँ लगा रखे हैं कुछ यहाँ लगाए, अभी भी वहाँ पर है कुछ, तो शायद उसको उधर लगाएंगे जहाँ खाली हो रहा है ना, कल वहाँ ट्रैक्टर से खुदाई कर रखी है, तो हो सकता है वहाँ पे लगाएंगे, कहीं पर भी लगा सकते हैं क्योंकि इतने बचे हुए हैं ना। ये देखिए ये हमारी गोभी की खेती है, बारिश तो बंद हो गई है लेकिन पीछे रेनबो आ रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रहा रेनबो, लगभग पूरा है लेकिन उतना मोबाइल पे दिख नहीं पा रहा है, और हल्का सा ना इसके पीछे से ना ये वाला रेनबो है ना, इसे बगल पर हल्का सा एक शेडो टाइप का भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है लेकिन मोबाइल उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है शायद। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए जानू तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? ये देखिए ये है पिनालू के पत्ते और ये है हल्दी के पत्ते, और अदरक मुझे दिख नहीं रहा है, अदरक शायद ज़्यादा छोटी हो रखी है इसलिए दिख नहीं रही है। 7:45 हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए, यहाँ तो खड़े खड़े मच्छर काट दे रहे हैं, बारिश आई थी बस थोड़ी देर के लिए और बंद हो गई है। तो आजकल हम इस रोड में घूमने जाते हैं, वो ऊपर वाले रोड में नहीं जाते हैं, इस वाले रोड में जाते हैं। देखिए ये सुनसान है, यहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, और ये है भूत बंगला, देख लो थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। ये देखिए यहाँ कोई नहीं आता जाता है, ये है भूत बंगला। चलो घूमने जा ही रहे हैं लेकिन बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, तो बारिश तो आई नहीं लेकिन हम घूम के आ गए हैं। हैं क्या कह रहे हो? अरे और जवानी भी आया था हमें लेने के लिए, मैंने उसे भगा दिया आगे को, वरना ऊपर को जाता। चलो फिर चलते हैं, बारिश थोड़ा थोड़ा कभी कभी बूंदाबांदी हो जा रही है लेकिन हो नहीं पा रही है बारिश इतने अच्छे से। हाँ तो 9 बज गया है, मैं आ गई हूँ अपने रूम पे और दूध लेके आ गई हूँ, वहाँ पे रखा हुआ है दूध और ये बॉक्स में रखे हुए हैं खजूर, दूध पीती हूँ और साथ साथ में करती हूँ एडिटिंग। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ओके बाय बाय, गुड नाइट।